दोस्तों, क्या आप भी अपनी एक वेबसाइट तैयार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाए? जी हाँ दोस्तों, आप जैसे मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट तैयार की है और ये मैंने बिल्कुल फ्री तैयार की है। ना ही मैंने इसका जो है डोमेन खरीदा है, ना ही किसी किस्म की मैंने पेमेंट पे की है। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी इस तरह की एक वेबसाइट बना लें, यानी कि आप अगर एक यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने जो है यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। या अगर आप किसी बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो तब भी आप जो है इधर अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इधर जो आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने अपने इंटरनेट ब्राउजर पे जो है एक वेबसाइट है, उसका जो लिंक है आप देख सकते हैं इधर अपनी स्क्रीन पर, www.pebbly.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, जहाँ पे आप जो है अपनी फ्री की एक वेबसाइट बना सकते हैं। किसी भी किस्म की जो है आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ये आपको डोमेन भी देगी, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। तो आपने जो है इस वेबसाइट का जो लिंक है, आपने इस पे चले जाना है, यानी कि आप जो है इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का जो है एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने दोस्तों इधर, अगर आप न्यू वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर लिखा है साइन अप विद फेसबुक या साइन अप विद गूगल प्लस। अगर आप इन दोनों के जरिए से साइन अप करना चाहते हैं, तो आप जो है साइन अप कर सकते हैं इन दोनों के जरिए से। और नीचे अगर आप देखें, तो यहाँ पे लिखा है और यूज योर ईमेल, यानी कि आप अपने ईमेल के थ्रू भी जो है यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चले ईमेल के थ्रू साइन अप करता हूँ। यहाँ पे आपने पहले अपना फर्स्ट नेम देना है, तो मैं इधर अपना नेम एंटर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो कि पहले इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह जो है एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अ थीम, यानी कि आपने जो है अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम चूज करनी है। अगर तो आप जो है एक, जैसे आप देख सकते हैं पहले नंबर पर है ऑनलाइन स्टोर, यानी कि अगर आप एक शॉप है आपकी, और जो है आप के पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप एक स्टोर बनाएंगे, ऑनलाइन स्टोर यानी कि आप बनाएंगे, वहाँ पर आप अपने जो है प्रोडक्ट दे के वहाँ से जो है अपनी प्रोडक्ट की सेल करवा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी जो है एक वेबसाइट हो, जो कि बिजनेस आपका, जिस मतलब फील्ड का जो है बिजनेस है, उसके रिलेटेड आप जो है एक वेबसाइट बनाएंगे, तो जो है आप यहाँ से बिजनेस के रिलेटेड वाली जो है थीम्स वगैरह आप चूज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मतलब जो भी वेबसाइट आपने तैयार करनी है, उसके लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सा जो है काम करते हैं और किस किस्म की आपको जो है वेबसाइट बनानी है, तो उसके रिलेटेड आपने जो है एक वेबसाइट तैयार करनी है। उसके बाद अगर एक आप पोर्टफोलियो देना चाहते हैं, जैसे आप एक यूट्यूबर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, जहाँ पे आप जो विजिटर है वो आपकी सारी डिटेल वगैरह जान सके कि आपने कब, कहाँ से और कैसे जो है इसको शुरू किया था और आपकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, तो आप जो है एक अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पर्सनल यूज पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप पर्सनल यूज पे जाके, यानी कि पर्सनल थीम पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफी। इसके अलावा और भी काफ़ी जो है थीम आपको अवेलेबल है, आप जो है उन पे क्लिक करके जो है आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपका इवेंट है, अगर आप किसी कॉलेज में हैं या किसी जॉब पर हैं या कोई भी चीज़ है, और वहाँ पे कोई इवेंट है और आप उस इवेंट के रिलेटेड जो है पोस्ट वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं उस इवेंट के बारे में, तो आप जो है एक वेबसाइट बना सकते हैं। वहाँ पे जो है आप सारी इंफॉर्मेशन दे के अपने फ्रेंड को जो है एक लिंक शेयर कर सकते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाके जो है सब कुछ जो है देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इधर देखें, तो यहाँ पे लिखा है ब्लॉग। ब्लॉग का आपको मैं बताता चलूँ कि ब्लॉग क्या चीज़ होती है, इसके बारे में भी मैं जो है बहुत जल्द ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ब्लॉग क्या चीज़ होती है। ब्लॉग असल में जो है, आप अगर जैसे एक यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपने वीडियो अपलोड की है, आप जो है उसका जो कंटेंट है, मतलब टाइपिंग में या किसी भी किस्म का जो कंटेंट है, आप वो है अपनी एक वेबसाइट पे तैयार करें, तो वो ब्लॉग आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया करता है, जहाँ पे आप जो है उसका
कंटेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है थीम्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जो भी आपको मतलब जिस किस्म की भी आपको वेबसाइट बनानी है, आप उसके रिलेटेड जो है थीम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक थीम चूज करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे जो है आगे काम करना है। तो मैं जो है इस थीम को चूज करता हूँ। ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी स्पीड है, तो ये जो है बहुत जल्दी काम हो जाएगा, वरना जो है थोड़ी सी देर भी लग सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपका यानी कि आपने जो थीम चूज की है उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी। अब आपने जो है इधर अपनी एडिटिंग करनी है, यानी कि यहाँ पे आप अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट का नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है डाल सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी डिटेल आप देना चाहें वो आप इधर जो है एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो है ये वेबसाइट जो आप क्रिएट कर रहे हैं आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जब आप एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है चूज योर वेबसाइट डोमेन, यानी कि आप अपनी जो है वेबसाइट का एक डोमेन चूज करें। तो डोमेन असल में क्या चीज होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं इनका, जैसे www.pibli.com, तो ये एक डोमेन है। अगर आप की जो वेबसाइट है, आप जैसे अभी हमने एक स्टोर ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया है उसके रिलेटेड जो है वेबसाइट, तो आप उसका एक डोमेन चूज करेंगे, यानी कि आप जो है अपने स्टोर का एक नेम रखेंगे। तो वो आपने क्या लिखना है या क्या आपने सोचा है आप वो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी आप जो है अपना एक, अगर जैसे किसी भी किस्म की आपकी वेबसाइट है तो आप उसके रिलेटेड जो है उसका डोमेन एंटर करेंगे। तो मैंने इधर जो है एक नेम एंटर किया है जस्ट आपको दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं इधर जो मैंने एक नेम एंटर किया है। तो इसके बाद वो आपको चेक करके बताएगा कि क्या आप जो है ये नेम अवेलेबल है या नहीं। तो ये अवेलेबल है तो इसका मतलब है ये जो है आपका जो वेबसाइट है उसका जो डोमेन होगा आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे इधर लिखा है shoppingpoint.wibli.com। तो अगर तो आप जो है डोमेन खरीदना चाहते हैं, यानी कि आप डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं, इस डोमेन को रजिस्टर करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो डोमेन है वो कुछ इस तरह से हो shoppingpoint.com, या इधर से आप जो है .net.org कुछ भी आप जो है चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तो हम एक फ्री में वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, इसलिए जो है इसमें कोई पेमेंट आपने नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आप डोमेन खरीदें तो उसके लिए फिर आपने इधर इस डोमेन को लिखना है और .com या जो भी आप जो है आगे चाहते हैं .net, तो उसके रिलेटेड जो है डिफरेंट इनकी प्राइस होती है, आप जो है डोमेन खरीद सकते हैं। तो मैं चलें फ्री में बना रहा हूँ, तो इसके लिए जो है आपने इस पर क्लिक करना है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो है आप इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं। इधर जो है आप अपना जो वेबसाइट का नेम है आप वो लिख सकते हैं, जैसे हम इधर लिखते हैं तो इसी तरह। अगर आप इधर कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं इधर टेक्स्ट है, मैंने इधर टेक्स्ट ऐड किया है। अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी जो है लोगो लगा सकते हैं। इसके बाद आप जैसे जैसे इसको जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि आपने आगे क्या करना है, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, आपने जो है इस पे चेक करके आप जैसे जैसे इसको चलाएंगे आपको समझ आती जाएगी। ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी कोडिंग या कोई भी इस तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डिजाइनिंग का कोई भी इसमें चक्कर नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। आपने जस्ट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक टेम्पलेट आपको मौजूद है, आपने उसमें जस्ट एडिटिंग करके यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जैसे यहाँ पे ये शूज हैं, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है आप अपनी एक प्रोडक्ट की जो है पिक्चर चूज करें, तो आप जो है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह ओपन होगा और यहाँ पे देखें लिखा है रिप्लेस इमेज। तो अगर आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट की रिलेटेड इमेज है आप उसको जो है अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और कंप्यूटर में है जिस चीज में भी है तो आप जो है इधर से इसको जो है ये देख सकते हैं। मैंने एक बैग था और बैग की जो है एक पिक्चर मैंने इधर अपलोड की है। तो आप जो है इसी तरह मतलब आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी पिक्चर्स
जो है अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो पिक्चर है इसका जो जो भी इस पर क्लिक करे, तो आपकी अगर एक मतलब फेसबुक का पेज है या अगर आपकी एक वेबसाइट है या जो भी है उस पे जाए तो वहाँ से जो है इसको खरीद सके, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप नीचे इधर देख सकते हैं लिखा है लिंक। लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो इस पर क्लिक करें वेबसाइट URL, तो यहाँ पे आप जिसका भी URL देंगे जिस वेबसाइट का भी ये उधर चला जाएगा जो भी इस पर क्लिक करेगा और वहाँ से जाके जो है खरीद सकता है। जैसे मैं इधर मिसाल के तौर पे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे मैं इधर लिखता हूँ kemu.tk, तो अगर मैंने इसको सेव किया है, अब जब भी इस पे जो है मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे जो है kemu.tk उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जो है मुझे ले जाएगा। तो इस तरह दोस्तों जो है आप अपने जो प्रोडक्ट है इसकी जो है पिक्चर लगा के जो है आप अपना मतलब एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड शो अगर क्रिएट करना चाहते हैं या किसी किस्म का कॉन्टेक्ट फॉर्म, जो कि मतलब जब कोई विजिटर आता है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करे तो उसके बाद जो है आपकी जो मतलब फीडबैक्स वगैरह आपको दे सकता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई बटन ऐड करना चाहते हैं जैसे कि होम का बटन हो गया या इस तरह के बटन, तो आपने जस्ट बटन को ऐसे ड्रैग करके जिस जगह पे आप इसको करना चाहते हैं आप जो है उधर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये देखें यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा। लोडिंग के बाद आपको बताएगा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक बटन क्रिएट हो गया। अब आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे बटन का टेक्स्ट, आप ये देखें बटन टेक्स्ट लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगर इधर कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे आप लिखना चाहते हैं होम, तो आप इधर होम लिखें और उसके बाद जो है आप बटन स्टाइल यानी डिफरेंट किस्म के बटन जो है आप चूज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो उसी तरह जैसे आपने पिक्चर में लिंक ऐड किया था वेबसाइट URL, यहाँ पे आप जाएं और आप अपनी जो है वेबसाइट है उसका जो है लिंक इधर पेस्ट कर सकते हैं, जो भी इस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे वापस आ जाए होम पे। तो जैसे हमारी वेबसाइट का लिंक था तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो है अपनी एक जो अभी वेबसाइट क्रिएट की है इसका जो है मैं लिंक इधर पेस्ट कर दिया है, तो आप जब भी इस पर क्लिक करेगा कोई भी तो वो दोबारा जो है होम पेज पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह जो है आप लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अभी ये साइड पे है, अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो इस सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप इसकी एडिटिंग वगैरह करके जो है आप अपनी एक खुद की वेबसाइट फ्री में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बाकी चीज़ें जो है देखें तो यहाँ पे एम्बेडेड कोड या सेक्शन या डिवाइडर, तो ये जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है इन चीज़ों की समझ आती जाएगी और आप जो है एक अपनी वेबसाइट जो है बना सकते हैं। तो जैसे आप इस पर काम करेंगे तो आपको इसकी समझ आती जाएगी, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कोडिंग वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने जैसे अभी मैंने आपको बताया आप ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने फोटो पे क्लिक किया है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड प्रोडक्ट टू ए स्टोर मैंने इधर देखें क्लिक किया था, तो मैंने इधर देखें क्लिक किया था ऐड प्रोडक्ट टू ए स्टोर, तो यहाँ पे वो पूछा है प्रोडक्ट नेम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मैं इधर लिखता हूँ बैग। इसके बाद आप इसका डिस्क्रिप्शन दें कि वो किसके रिलेटेड है, तो मैंने इधर कुछ भी लिख दिया। आप जैसे इसको यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट इमेज, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो है आप हमें इमेज जो है वो दें, तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है आप वो इधर लगा सकते हैं। तो मैंने इधर कुछ डाउनलोड की थी, ये आप देख सकते हैं बैग, तो मैं इसको जो है अपलोड करूँगा। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये मेरी पिक्चर जो है अपलोड हो चुकी है। इसी तरह आप देखें प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो यहाँ पे आप देखें तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद वो पूछ रहा है कि कितनी प्राइस आपने रखनी है, इसी तरह जो है आप इसको फिल करेंगे तो आपको जो है समझ आती जाएगी। उसके बाद आपने जो है इसको सेव कर देना है। जैसे मैं इधर इसकी $5 लिख देता हूँ, सेल प्राइस जो है इसकी मैं $7 कर देता हूँ। तो इस तरह जो है आपने इसको सेव कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। तो अब मैं आपको जो है आपकी वेबसाइट की तरफ लेके जाता हूँ, तो
तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये आप देखें, मैंने जैसे लिखा था $5, अब मैं सेल करूंगा $7 की। तो अगर आपकी ये प्रोडक्ट है और आप इसको जो है इसी तरह जो है आप डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी जो वेबसाइट है इसको आपने पब्लिश कैसे करना है। तो आप ये इधर पब्लिश का बटन देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डोमेन इसका चूज किया था इस तरह आपको शो होगा, और आप इधर कंटिन्यू पे क्लिक कर दे तो जो आपकी वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाएगी। तो मैं इसको जो है आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि अगर कोई विजिटर इस पे आता है तो वो जो है उसको कैसे दिखाई देगी, यानी कि ये वेबसाइट उसको कैसी लगेगी। तो आप ये जो है इसका जो लिंक है आप इसको कॉपी कर लें और मैं इधर इसको पेस्ट करता हूँ, तो फिर देखते हैं कि आपकी जो वेबसाइट आपने अभी क्रिएट की है वो किस तरह की लगती है विजिटर को, यानी कि जो एक नया विजिटर आता है इस वेबसाइट पे उसको ये वेबसाइट कैसी लगती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट आपने इधर पिक्चर ऐड की थी, जो भी इस पे क्लिक करेगा तो इस पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया है तो ये आप देख सकते हैं बैग क्वांटिटी 1 है, इसी तरह इट्स मेड बाय, जो भी आप इधर लिखेंगे वही उसको दिखाई देगा, जो आप पिक्चर्स लगाएंगे वही जो है उसको दिखाई देंगी। इसी तरह यहाँ पे आप अपना फेसबुक का जो है लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर जो इसको बाय करना चाहता है तो उसके अलावा इधर अगर आपने लिंक दिया होगा तो वो जो है आपके वेबसाइट पे चला जाएगा जहाँ से आपको इसको वो खरीद सकता है। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं उसको जो आपकी वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।